आरोग्य जागृति, आरोग्य हीच खरी संपत्ती। मात्र आज या धावपळीच्या युगात आपल्या अनमोल शरीराला रोगमुक्त ठेवण्यासाठी कुणालाच वेळ नाही। अशाच लोकांसाठी आरोग्य जागृती या कार्यक्रमात आपल्या शहरासह मराठवाड्यातील तज्ज्ञ डॉक्टर्स तुम्हाला घर बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी व प्रथमोपचार कसा करावा याचे मार्गदर्शन करतील। आरोग्य जागृती या कार्यक्रमात तर बघत रहा आरोग्य जागृती। आपल्या दारी न राही कुणी उपचार अभावी हाच आमचा ध्यास। पांडे ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ दो दिन पहले एज्यूरियन 7 नाम का फिलिप्स का एकदम हाई एंड एडवांस्ड कैथ लैब इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसमें हार्ट रिलेटेड और ब्रेन रिलेटेड पूरे एंजियोप्लास्टी और हार्ट और ब्रेन के ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में एक सबसे एडवांस्ड कैथ लैब है। इसमें फर्स्ट टाइम अपने रीजन में 3-डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी, जो आज तक कहीं अपने पास नहीं थी, उसके अलावा 3D कोरोनरी रोड मैप, ये बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स है। उसके साथ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब, जो अपने पूरे मराठवाड़ा रीजन में ये फर्स्ट सेंटर है जहां अपने पास ये लैब है, ये सारा इंस्टॉल हो चुका है और पूरा तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट। जैसे आपको पता है कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स के बहुत सारे डिसीजेस है, बीमारियाँ हैं, और सबसे कॉमन बोले तो स्ट्रोक, पक्षाघात, ब्रेन की रक्तवाहिनी बंद होना, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होना, एक साइड का हाथ और पैर का ताकत कम होना, बात जाना, एक साइड का फेस टेढ़ा होना, ऐसे कई सारी लक्षणें रहती है। ये सारी जो बीमारियां हैं ब्रेन के रक्तवाहिनी की है। तो ये ब्रेन की किसी पेशेंट में ब्रेन की रक्तवाहिनी में फुगा आ जाता है, फुगा फूट जाता है, रक्तवाहिनी फूट जाती है, तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सारी ब्रेन की रक्तवाहिनी की जो बीमारियाँ हैं, इसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, उसके आगे के एडवांस ट्रीटमेंट के लिए एक हाई एंड कैथ लैब बोले तो जो रक्तवाहिनी की जांच करते हैं, रक्तवाहिनी के इलाज करते हैं बिना किसी टाके के, बिना ओपन सर्जरी के। फिर वो रक्तवाहिनी शरीर के कोई भी हिस्से में हो, या फिर वो हार्ट में हो, या ब्रेन में हो, या पैरों में हो, या पेट में हो, कोई भी रक्तवाहिनी हो, ये कैथ लैब में ये रक्तवाहिनी का इलाज हो सकता है बिना टाके के, बिना किसी के ओपन सर्जरी के। तो ऐसा एक हाई एंड कैथ लैब एज्यूरॉन 7C विथ ऑल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स, विथ सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के साथ यहाँ पे ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंस्टॉल हो चुकी है, और इसका काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है। और ख़ास करके न्यूरोलॉजी में देखेंगे तो पक्षाघात, अगर कोई पेशेंट पहले 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल तक पहुँचता है और उसकी कोई एक रक्तवाहिनी अगर ब्लॉक है,
तो वो 6 घंटे के अंदर हम अगर वो रक्तवाहिनी को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर के क्लॉट निकाल सकते हैं, तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, पेशेंट का रिकवरी जल्दी हो सकता है, पेशेंट का परमानेंट जो डिसेबिलिटी होने का चांसेस है वो बहुत कम हो सकता है। ये जो सर्जरी होता है ये बिना टाके की सर्जरी होती है। ये पैर की जो फीमोरल आर्टरी रहती है, जांग में जो बड़ी रक्तवाहिनी रहती है, वो रक्तवाहिनी के द्वारा ऑपरेशन होता है, बिना कोई एनेस्थीसिया के, बिना कोई ओपन सर्जरी के। दूसरा एक फ़ायदा है, कोई कोई पेशेंट में जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, तो ब्लीडिंग तो होने के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे चोट लगना, या फिर किसी को खून पतला करने की दवाई रहती है, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट में रक्तवाहिनियों की बीमारी रहती है, जैसे रक्तवाहिनियों के ऊपर कोई गुच्छा हो, उसको AVM बोलते हैं, रक्तवाहिनी के ऊपर कोई फुगा हो जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो अगर फूट जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे भी पेशेंट को ये कैथ लैब में हम बिना टाके की सर्जरी कर सकते हैं, एन्यूरिज्म कॉइलिंग कर सकते हैं, ये रक्तवाहिनी को गुच्छा बुझा सकते हैं, उसको AVM एम्बोलाइजेशन बोलते हैं, या फिर कोई रक्तवाहिनी ब्लॉकेज है, उसके वजह से बार बार ब्रेन का अटैक आ रहा है, पक्षाघात आ रहा है, तो ऐसे रक्तवाहिनियों को, ब्रेन की रक्तवाहिनियों की एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है। तो यही मैं आप सबको, ये कैथ लैब जो अपने औरंगाबाद में आई है, मराठवाड़े में आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यही अनुरोध है। सर, ओरियन हॉस्पिटल का मतलब उद्देश्य क्या है? सी, ओरियन हॉस्पिटल, ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल हम कुछ डॉक्टर्स हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट है, नॉट ओनली सुपर स्पेशलिस्ट, लेकिन हर एक सुपर स्पेशलिटी में, जैसे कार्डियोलॉजी है, जैसे चेस्ट के सुपर स्पेशलिटी है, या फिर न्यूरोलॉजी है, उसमें भी सब स्पेशलिटी रहते हैं। तो जैसे डॉक्टर राजकुमार घुमरे हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बहुत स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आशीष देशपांडे है, वो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी में बहुत स्पेशलिस्ट है, अब डॉक्टर आशीष देशमुख है जो थोरैकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी में स्पेशलिस्ट है। तो सुपर स्पेशलिटी में जो सब स्पेशलिस्ट है वो ऐसे गिने चुने डॉक्टर्स रहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। वैसे हमारे ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल में, हमारे डिपार्टमेंट में बोलेंगे डॉक्टर वरगंडवार है, जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, एन्यूरिज्म कॉइलिंग, एन्यूरिज्म क्लिपिंग, इसमें स्पेशलिस्ट है। मैं जो एपिलेप्सी सर्जरी करते हैं, या फिर एन्यूरिज्म कॉइलिंग करते हैं, AVM एम्बोलाइजेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मराठवाड़ा में काफ़ी कहीं के कहीं पे होती नहीं है। तो पहली बार ऐसा एक सेंटर डेवलप हो रहा है जहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़, एडवांस टेक्नोलॉजी एक ही जगह पे अंडर वन रूफ सारे पेशेंट्स को ये सुविधा मिले, ताकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत न गिरे। नहीं तो क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि काफ़ी पेशेंट्स को पुणे या बॉम्बे जाने की ज़रूरत गिरती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था, नॉट ओनली ये अस्पताल का खर्चा, उनका रहने का, खाने का, पीने का खर्चा, ये डबल हो जाता था। तो ये सारी सुविधा हम औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़ा रीजन में चालू कर रहे हैं, ये उद्देश्य से कि ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लोगों के एक यहाँ पे उपलब्ध हो जाए और अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध हो जाए। ICU बेड कितना है सर अपने पास? ICU बेड टोटल 26 बेड्स है, और स्टेप डाउन ICU है, वहाँ पे 12 बेड्स है।